हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी के सर। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्कर अवार्ड्स। तो यहाँ पर हम ऑस्कर्स जो है ऑलरेडी अनाउंस किया जा चुका है, बट इसका वीडियो मैं अभी इसलिए अपलोड कर रही हूँ क्योंकि अब एग्ज़ाम पास आ रहा है, तो आप यहाँ से एक बार जस्ट क्विक रिवीजन कर लें। तो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर होने वाले हैं। पूरे वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। यहाँ पे आपको कौन कौन से क्वेश्चंस के कौन कौन से अच्छे से पढ़ने हैं मैं सब बताने वाली हूँ आपको इस वीडियो में। तो पूरे वीडियो को एंड तक देखिए और ऑस्कर अवार्ड्स को पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि 1 to 2 मार्क्स यहाँ से आपके पक्के हैं एग्ज़ाम में। और क्योंकि अब SSC CGL आने वाला है एग्ज़ाम, आपके पास प्रॉपर 100 डेज है। तो इन 100 डेज में हम कल से एक एक टॉपिक, सारे 100 टॉपिक्स को कवर करेंगे फॉर SSC CGL। तो जिससे आपका हर टॉपिक जो है रिवाइज होने वाला है फॉर SSC CGL। तो इसका जो हम प्लेलिस्ट है अलग से ही बना देंगे, तो वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और सारे जो GK क्वेश्चंस हैं या फिर GK टॉपिक्स हैं, उन सबको यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे वीडियोस को देखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो फिलहाल हम ऑस्कर अवार्ड कवर कर लेते हैं और कल से हमारा न्यू पूरा GK टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑस्कर अवार्ड्स, तो इसको पहले पढ़ने से पहले हम इसका जो इनिशियली बेसिक पॉइंट्स हैं उनको कवर कर लेते हैं। तो ऑस्कर अवार्ड जो है, इसे क्या कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड अकेडमी अवार्ड्स। तो अगर आप जानते हैं बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको डेफिनेटली जानना चाहिए। इसे कहा जाता है अकेडमी अवार्ड्स। तो अगर अकेडमी अवार्ड्स करके एग्ज़ाम में आता है तो आपको कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि ये ऑस्कर के बारे में ही बात कर रहा है। इसके अलावा इट इज़ द मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑनर इन द फिल्म वर्ल्ड। तो अगर फिल्म में पूछा जाए कि सबसे प्रेस्टिजियस ऑनर कौन सा है, तो ये है ऑस्कर्स। तो इसका जो कौन सा एडिशन इस बार दिया गया है, ये 95th एडिशन था ऑस्कर अवार्ड्स का। इसके अलावा ये हेल्ड किया गया था इन डॉल्बी थिएटर, हॉलीवुड USA। तो USA में हुआ था। इसको होस्ट किया है जिमी किमेल ने। इसके अलावा इसे प्रेजेंट किया गया है बाय एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस, ठीक है। और फर्स्ट टाइम जो है ये कब दिया गया था, ये 1929 में USA में स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम है जब ऑस्कर्स को स्टार्ट किया था। तो ये है सारे बेसिक्स ऑफ ऑस्कर अवार्ड्स। आई होप आपको ये समझ आ गया है। अब हम चलते हैं MCQ की तरफ। और पूरे वीडियो को देखने के बाद आपके लिए लास्ट में क्वेश्चंस भी हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप पक्का कर लीजिएगा, ताकि आप क्लियर हो जाए कि मेरा ऑस्कर का जो टॉपिक है वो क्लियर है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्विकली। विच फिल्म वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड्स एट ऑस्कर्स। तो किस फिल्म को बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया है इन ऑस्कर्स? ये दिया गया है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को, ठीक है। तो ये है बेस्ट फिल्म। इसके अलावा ये जो मूवी है, इस मूवी को डिफरेंट कैटेगरीज में 7 अवार्ड्स दिए गए। टोटल इसके 11 नॉमिनेशंस थे, यानी कि 11 बार ये नॉमिनेट किया गया है, और हाईएस्ट नॉमिनेशंस जो है इसी मूवी को है, और इसमें से इन्होंने 7 अवार्ड्स जीते हैं, ठीक। नेक्स्ट, विच फिल्म वन द बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड। अब कन्फ्यूज़ मत होइए, बेस्ट फिल्म था पहला वाला, अब है ये बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म। तो बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड जो है ये दिया गया है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को, ठीक है। दोनों में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, विथ सॉन्ग वन द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एट ऑस्कर्स। तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जो है ऑस्कर में किसे दिया गया है, अब ये कौन नहीं जानता, ये दिया गया है नाटू नाटू को, ठीक है। तो इसके टेक अवे पॉइंट्स हम जल्दी से देख लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट इंडियन फिल्म है, सॉरी फिल्म का एक सॉन्ग है जो ऑस्कर्स जीत रहा है। इसे कंपोज किया गया है बाई MM किरवानी, और इसके जो लिरिसिस्ट हैं ये है चंद्र बोस, ठीक है। तो ये तेलुगु लैंग्वेज में जो सॉन्ग है उसके लिए दिया गया है, और इस सॉन्ग को गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी दिया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रख लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज़ वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट ऑस्कर्स। तो बेस्ट एक्टर अवार्ड जो है ये दिया गया है ब्रेंडन फ्रेजर को, ठीक है। नेक्स्ट, हु वन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट एकेडमी अवार्ड। तो बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड जो है ये किसे दिया गया है,
ये दिया गया है डेनियल क्वान और डेनियल स्किनेस्ट दोनों को। तो यहाँ पे इसका आंसर है बोथ 2 एंड 3। तो दोनों में ही डेनियल है तो आप याद रख सकते हैं। और ये किस मूवी के लिए दिया गया? ये दिया गया एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए ही दिया गया है इनको। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया 11 नॉमिनेशंस थे और 7 इन्हें अवार्ड्स मिले। तो ये हाईएस्ट नॉमिनेशंस हैं और इन्हें हाईएस्ट अवार्ड्स भी मिले हैं। ऑब्वियसली 7 अवार्ड्स मिले हैं इनको। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट ऑस्कर्स? तो बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसे दिया गया है? ये दिया गया है मिशेल यू को। ठीक है, ये इनका नाम है। ये भी इन्हें दिया गया है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए ही। ठीक है, नेक्स्ट, विच डॉक्यूमेंट्री बैग्ड अवार्ड फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म एट ऑस्कर्स? तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म जो है ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है इंडिया की ही एक शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम है द एलिफेंट विस्परर्स, इसको। और इसके अलावा यहाँ पे टेक अवे पॉइंट्स हैं कि इसके डायरेक्टर थे कार्तिकी गोंसाल्विस और इसके प्रोड्यूसर है गुनीत मिंगा। ठीक है, और ये तमिलनाडु के में शूट किया गया है। ठीक है, तो आपको ये सारे चीज़ यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव ऑस्कर्स? तो ये करंट का नहीं है बट इम्पॉर्टेंट। तो पहले इंडियन जिन्हें ऑस्कर मिला था वो कौन थे? तो ये थी भानु अथैया और इन्हें मिला था फॉर बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर। तो ये अवार्ड इन्हें फर्स्ट टाइम दिया गया। नेक्स्ट, विच वॉज द फर्स्ट इंडियन मूवी टू बी नॉमिनेटेड एट ऑस्कर्स? तो पहली इंडियन मूवी जिसे ऑस्कर में नॉमिनेट किया गया बट इन्हें अवार्ड नहीं दिया गया था, ये नॉमिनेट हुई थी फर्स्ट टाइम, तो ये थी मदर इंडिया। तो मदर इंडिया फिल्म नॉमिनेट तो ही बट इसे अवार्ड नहीं मिल पाया था। ठीक है, नेक्स्ट, विच इंडियन एक्ट्रेस वॉज इन्वाइटेड टू प्रेजेंट द अवार्ड इन ऑस्कर सेरेमनी 2023? तो किस एक्ट्रेस को बुलाया गया फॉर प्रेजेंटिंग अवार्ड? तो ये भी बहुत चर्चे में था, तो इसका आंसर है दीपिका पादुकोण। और इन्हें फीफा में भी बुलाया गया था फॉर, तो आपको वो पॉइंट भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये थे हमारे सारे इम्पॉर्टेंट MCQ फॉर्म में जो क्वेश्चन, इन सबको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है जितने मैंने ऑलरेडी बता दिए। अब टोटल जितने भी ऑस्कर में अवार्ड दिए गए हम उन सबको यहाँ पे जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे ही लिस्ट कर दिए हैं जितने भी अवार्ड दिए गए, बट आपको सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाले पढ़ने हैं, सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सारे याद नहीं रख सकते। तो जो जो मैंने अंडरलाइन किया है हम सिर्फ उसको ही डिस्कस करेंगे अभी। तो हमने पढ़ा बेस्ट एक्टर किसे दिया गया, ब्रेंडन फ्रेज़र को दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस किसको दिया गया, माइकल मिशेल यू को दिया गया। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन जो है ब्लैक पैंथर के वकैंडा फॉरएवर को दिया गया। फिर डायरेक्टिंग जो है ये एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए दिया गया है। बेस्ट शॉर्ट फिल्म जो है ये एलिफेंट विस्परर्स को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरनेशनल फीचर फिल्म जो है ये कौन थी? ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। म्यूजिक ओरिजिनल सॉन्ग जो है नाटू नाटू को दिया गया। बेस्ट पिक्चर जो है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक और पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि जितने भी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के क्वेश्चन हैं जिन्हें अवार्ड्स इन्हें दिए गए जैसे कि राइटिंग, तो ये सारे जो टोटल 7 हैं आपको ये 7 अगर आप याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिए क्योंकि पूछा जा सकता है। अदरवाइज आपको जो इंडिया से रिलेटेड है उनको तो डेफिनेटली याद रखने हैं और बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस डायरेक्टर इनको याद रख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका काम बन जाएगा, आप इतने क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिए, हो जाएगा। अब आती है क्वेश्चंस की बारी। हमने बहुत MCQs पढ़ लिए और बेसिक्स भी पढ़ लिया, अब आप इन सब के आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो टोटल हाउ मेनी ऑस्कर्स आर विन बाय इंडिया? तो इंडिया ने अभी तक 2023 तक में टोटल कितने ऑस्कर्स जीते हैं आपको ये बताना है। अगर आप जानते हैं अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते तो प्लीज़ गूगल करके भी आप पढ़ के यहाँ पे कमेंट करिए ताकि आपका जो रिवीजन है वो हो जाए और आप ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल छोड़े ना। ठीक है, फिर फर्स्ट फिल्म टू बी नॉमिनेटेड बट डिड नॉट रिसीव अवार्ड, तो कौन सी फिल्म थी जिसे नॉमिनेट किया गया बट उसे अवार्ड नहीं मिल पाया था? मैंने आपको बता दिया है, कॉमेंट करिएगा। नेक्स्ट, बाई विच कंट्री ऑस्कर इज़ गिवन, तो ऑस्कर कौन सी कंट्री देती है आपको ये बताना है। विच एडिशन ऑफ ऑस्कर्स
वॉज 2023। तो ऑस्कर का कौन सा एडिशन था 2023 में, आपको ये भी बताना है। नेक्स्ट, इन विच सिटी इट वॉज हेल्ड, तो कौन से सिटी में ऑस्कर्स हेल्ड किया गया था। पहले मैंने कंट्री पूछा, अब मैं आपको सिटी पूछ रही हूँ, तो आपको यहाँ पे दोनों ही कमेंट करना है। इसके अलावा बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे दिया गया है इन ऑस्कर्स 2023, आपको ये भी बताना है। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस ऑफ ऑस्कर्स 2023। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिएगा, और ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।